हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिकल मशीन टू के बारे में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो आपकी बुक है ये है एशियन पब्लिकेशन की है, ठीक है मेरे दोस्तों। किसकी है? एशियन पब्लिकेशन की है। आप बुक देख सकते हैं यहाँ पे, एशियन पब्लिकेशन मुजफ्फरनगर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए इसके अंदर की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या है तो यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें आपके जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 तक यहाँ टॉपिक है, आप देख सकते हैं, कुछ देर के लिए रोक दिए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जो चैप्टर टू होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे भी जो चैप्टर फर्स्ट के कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे 17 पॉइंट दिया है, 17 टॉपिक है आपका, इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ये सारी लेक्चर 25 लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। 25 लेक्चर में ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट लाइक चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सॉरी दोस्तों, सिंगल फेज मोटर जो है इसे 18 लेक्चर में, ये भी देखिए इसमें बहुत सारी सिंपल सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और उसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाता है आपका सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन क्या होती है मेरे दोस्तों, इसे भी आप देख लेंगे। और उसके बाद स्पेशल पर्पज मशीन्स है, मतलब कि जो इनके क्या गुण होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है मेरे दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यह चैप्टर फर्स्ट की सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने कॉपी पेन पे, ठीक है। चलिए आज आपको हम बताएंगे पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका 2020 में जो 2021 में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2021 भी लिख लीजिए, 2021 में जो आपका पेपर होगा शायद मार्च में होगा दोस्तों। तो वो कैसे होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जो चीज़ें आएंगी वो कैसे आएंगी, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। तो इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है मेरे दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर होता है जो थ्री फेज एसी सप्लाई पर वर्क करता है। किस पे? थ्री फेज एसी सप्लाई पर वर्क करता है। तो दोस्तों अगर मोटर है तो यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, अगर यह मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इतनी बात इसमें ध्यान में रखनी है। और एक बात आपको इसमें और ध्यान में रखनी है क्या, कि जो ये मोटर होती है ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और दूसरी बात, और यह मोटर जो होता है इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है मेरे दोस्तों, कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टर की जरूरत नहीं होगा, यानी यह सेल्फ स्टार्ट मोटर होगी। चलिए आइए थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से कराएंगे, पहले परिचय देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऐसा हो, इंट्रोडक्शन में इसमें क्या है इसको इसके बारे में पहले जानेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है ऐसा मोटर जो थ्री फेज एसी सप्लाई से वर्क करता है, ठीक है, यानी कार्य करता है, थ्री फेज एसी सप्लाई से कार्य करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको थ्री फेज मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्री फेज मोटर कहते हैं। आगे बात जानिए कि क्या है, यह मोटर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिकल मोटर है। कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों? जहां पे ज्यादा पावर की जरूरत होगी वहां पे इसका यूज होगा। क्या होता है कि इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में इन सभी मोटरों को हाई पावर पे यूज किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या किया जाता है? हाई पावर पे यूज किया जाता है, तो वहां पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो घरों में मोटरें होती हैं, सिंगल फेज की मोटरें होती हैं। किसकी होती है? सिंगल फेज की। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसकी देखिए पहले क्या होता है, कि इसमें थ्री फेज सप्लाई होती है। थ्री फेज सप्लाई क्या होगा? आर वाई बी होता है। ये तो आप देखे ही होंगे, अगर मोटर देखे होंगे तो उसमें तीन सप्लाई दी होगी, अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखे होंगे तो। तो दोस्तों ये जो आपके अंदर वाले पार्ट हैं इन्हें आप क्या कहेंगे? रोटर कहेंगे। यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है? यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसका किसी सप्लाई सोर्स से कनेक्शन नहीं होता है। तो आप देखेंगे जब वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे बाइंडिंग की जाती है, किस पे? रोटर पे बाइंडिंग की जाती है।
तो इस पे कनेक्शन जो सीधा मतलब सप्लाई का सीधे कनेक्शन नहीं होता है, और जो ये हमारा बाहरी वाला पार्ट आप देख रहे हैं हमारा, ये होता है स्टेटर, और इसके बीच में जो होता है एयर गैप होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात इसमें समझनी है। तो एक बात और बता दूं कि आपको जो रोटर होता है उसे बाइंडिंग की जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में किया जाता है। कितने mm तक? 0.35 mm से 0.5 mm तक किया जाता है। यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कितने mm तक लेमिनेट किया जाता है। 0.35 mm से 0.5 mm तक लेमिनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यतः इसका जो हानि कम करता है वो ईडी करंट लॉस कम करता है, लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए तो यह हिस्टेरेसिस लॉस को भी कम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों आपका कि जो ब्लर हो रहा है मेरे दोस्तों, तो थोड़ा हिला देते हैं। चलिए अब सही हो गया। तो दोस्तों इसके बाद है आपका क्या कि जो जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका रोटर और दूसरा होता है आपका स्टेटर। क्या होता है? पहला होता है स्टेटर या रोटर कह लीजिए, पहले आ जाएगा स्टेटर, उसके बाद आएगा रोटर। स्टेटर क्या होता है मेरे दोस्तों? यह मशीन के बाहरी बाहर वाला पार्ट होता है। क्या है? बाहरी वाला पार्ट होता है। ये क्या करता है? जो मोटर होता है उसको बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। और क्या करता है? इसके अंदर जो रोटर होता है वही क्या करता है? मूव करता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा स्टेटर होता है ये कभी मूव नहीं करता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। स्टेटर होता क्या है? मोटर के अंदर का वह पार्ट जो मोटर के चलने पर भी नहीं घूमता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? यानी स्थिर रहता है, उसको हम स्टेशनरी पार्ट्स भी या स्टेटर कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं थोड़ी बातें और हैं इसमें। स्टेटर वाइंडिंग को इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है? जो हमारी सप्लाई कहाँ पे दी जाती है? 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दी जाती है। ठीक है, और इसे 3 फेज सप्लाई दी जाती है। किसको? स्टेटर को। ठीक है, आइए रोटर को जान लेते हैं। रोटर क्या होता है? इसमें मेन चीजें ये होती हैं कि यह किसका बना होता है, ये कैसे वर्क करता है, यही सारी चीजें बतानी है। तो ये किसका बना होता है स्टेटर? ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, किसका बना होता है? ढलवा लोहे का। चलिए आइए रोटर को देखते हैं। रोटर क्या होता है? रोटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि घूमने वाला कोई भाग है। तो क्या कहेंगे? मोटर के अंदर का वह पार्ट जो मोटर के चलने पर स्टार्ट स्टेटर के अंदर घूमता। किसके अंदर? स्टेटर के अंदर एक खांचा बना होता है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर रोटर घूमता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। रुक जाइए, आपके आपके बुक में दिया है उसे हम दिखा देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बुक में आपको दिखा देंगे, सारी चीजें विजुअल हो जाएंगी तो बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए क्या होता है रोटर? तो रोटर कौन सा है मेरे दोस्तों? रोटर है आपका ये वाला। तो जो जो ये रोटर है दोस्तों, ये रोटर है आपका, यही रोटर किसके अंदर घूमता है? इसके अंदर देखिए यही होता है, ये बना होता है आपका, इसी के अंदर क्या करता है? रोटर मूव करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, रोटर कहाँ पे है? यहाँ पे है रोटर। ये किसके अंदर मूव करेगा? स्टेटर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी बातें हमने आपको दिखा दी भी, अब आगे देखते हैं। मोटर के अंदर का वह पार्ट जो मोटर के चलने पर स्टेटर के अंदर घूमता है। किसके अंदर? स्टेटर के अंदर। अब क्या है? रोटर इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग पार्ट, जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग पार्ट है, यानी घूमने वाला भाग है, जो रोटर शाफ्ट के माध्यम से मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? मैकेनिकल लोड से। तो दोस्तों इसमें आपका एक फिगर है, इसे बहुत ही ध्यान से देखना है, अगर एग्जाम में बना देंगे दोस्तों। इतनी सारी चीजें जो दी जा रही हैं ये सब 5 नंबर की आती हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आपको 5 नंबर गंवाना नहीं है, 5 नंबर बहुत ही अच्छे से लेना है। 5 नंबर बहुत कम नहीं होते हैं दोस्तों, 5 नंबर बहुत अधिक होते हैं। तो इन्हें आपको लेना है, कैसे लेना है इन सारी चीजों को समझ के। तो इसमें क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है इसे आप शाफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? शाफ्ट कहेंगे। और इस पे एक बियरिंग फिट होती है, जिसे हम आप बाल बियरिंग कहते हैं। बाल बियरिंग इसमें फिट होती है, उसी के माध्यम से ये मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंड रिंग होता है, इसे आप क्या कहेंगे? इंड प्लेट भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे आप? तो आप इंड रिंग कह लीजिए यहाँ वाले पार्ट को,
या पे जहाँ पे क्या होते हैं स्लॉट, जो कंडक्टर है इन्हीं को जो जोड़ा जाता है, इसे इंड रिंग या क्या कहेंगे, इंड प्लेट कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तिरछे खांचे बने होते हैं ताकि इसमें जो क्या कहते हैं हमिंग होती है, यानी भनभनाहट होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, और क्या, और जो बात यहाँ पे है कि यहाँ पे भी बियरिंग होगी, ये जो है आपका शाफ्ट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये तिरछे स्लॉट है, ये जो है आपके कंडक्टर है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की बात क्या है, स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम क्या है मेरे दोस्तों, अभी हमने आपको बुक में दिखाया था, तो चलिए आइए स्टेटर फ्रेम को भी दिखा देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टेटर फ्रेम को भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए यही है आपका स्टेटर फ्रेम भी। तो स्टेटर फ्रेम क्या है, यह एक बाहरी पार्ट है। क्या है, यह एक बाहरी पार्ट है जो, देखिए देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसमें क्या डाला जाएगा, अभी रोटर को फिक्स किया जाएगा, रोटर को फिक्स किया जाएगा। और क्या होता है, यह कुछ है जो इसमें पीछे के तरफ एक पंखा लगा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जो पंखा लगा होगा वो कूलिंग का काम करेगा, वाइंडिंग्स को गर्म होने से रोकेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, आपका जो टॉपिक है उसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो आपका टॉपिक है उसे पहले दिखा देते हैं। स्टेटर फ्रेम क्या है, देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बाहरी पार्ट है। क्या कहा हमने, यह मोटर के बाहरी पार्ट है। इसका मुख्य कार्य स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग का सपोर्ट करना, यह एक कवर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वही बात हमने बताई दोस्तों, यह ऊपर का जो खांचा होता है, ढांचा होता है, यह उसमें किस किसको फिट किया जाएगा, रोटर को फिट किया जाएगा, एक तरह से उसका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कपड़े लेते हैं तो उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, उसी प्रकार इसमें भी होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं। रोटर के अंदर के बाहरी, रोटर के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है। भाई जब बाहर लगा है, प्लास्टिक लगी होते हैं कपड़े के ऊपर, तो धूल डस्ट सारी चीजें से, सारी चीजों से बचाता है कि नहीं बचाता है, बताता है, बचाता है मेरे दोस्तों। तो वही चीजें हैं, मोटर को बाहरी चोट से बचाता है। यह मजबूत और कठोर होता है। क्या होता है, मजबूत और कठोर होता है। स्टेटर फ्रेम डाई कास्ट या फैब्रिकेट स्टील से बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किससे बना होता है, डाई कास्ट या फैब्रिकेट स्टील से बना होता है। कौन, स्टेटर फ्रेम। चलिए स्टेटर कोर देख लीजिए आप दोस्तों, स्टेटर कोर क्या होता है, अब यही तो मेन है। स्टेटर कोर का मुख्य कार्य अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी कराना होता है, मतलब जो फ्लक्स होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटर में लॉसेस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। कितने एमएम तक लेमिनेट किया जाता है मेरे दोस्तों, तो आपको बता दूं कि 0.35 mm से 0.5 mm तक लेमिनेट किया जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और क्या कह रहा है, कोर को आपस में जोड़ जोड़ के स्टेटर बनाया जाता है। किसको जोड़ के स्टेटर बनाएंगे, कोर को, कोर जो बने होते हैं उन्हीं को। कोर कैसे बने होते हैं, ये है आपका स्टेटर कोर। ठीक है, ये ढेर सारी पत्तियां होती है स्टेटर कोर की, उन्हीं को लेमिनेट करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर स्टेटर को स्टेटर फ्रेम में रखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपकी, कि जो हमारा कोर कोर को लेमिनेट, यानी लेमिनेट करने से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है। क्या कम होता है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है दोस्तों, लेकिन एक बात और बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा ईडी करंट लॉस को कम करता है। यही मेन बात है, हम आपको बता दिए हैं। स्टेटर कोर आप देख ही पा रहे हैं, कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर की तरफ खांचे कटे होते हैं। किस कहाँ पे, अंदर की तरफ खांचे कटे होते हैं। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, यानी स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग किसे कहेंगे, ये नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आप इसे भी जान लीजिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर की परिधि पर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। किसके, जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा कोर या स्टेटर कोर होता है, उसी पर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, थ्री फेज वाइंडिंग करेंगे। थ्री फेज वाइंडिंग में थ्री फेज एसी पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो हमारी वाइंडिंग होती है उसमें थ्री फेज एसी सप्लाई को देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइंडिंग के थ्री फेज या तो स्टार या तो डेल्टा में होते हैं। जो हम वाइंडिंग करते हैं वो जो होते हैं या तो स्टार में होंगे या फिर डेल्टा में होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टेटर पर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग भी कहा जाता है। स्टेटर वाइंडिंग को क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग भी कहेंगे। जब हम
वाइंडिंग जब हम वाइंडिंग थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इतनी बातें थी मेरे दोस्तों। तो इसमें आपको सारी चीज़ों का आप नोट्स बना सकते हैं और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट लेके। जय हिंद, जय भारत।